दोस्तों भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ओडिशा राज्य के मयूरगंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब भारत के राष्ट्रपति भवन में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आगे हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हमारी ओर से भी द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जून को इनका जन्म दिवस भी है और 21 जून को इनको बर्थ गिफ्ट के रूप में राष्ट्रपति पद भी मिल गया है। दोस्तों ओडिशा राज्य के मयूरगंज जिले के बेदपोशी गांव में 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी जाति समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बियांची नारायण टुड्डू है। उनका विवाह श्यामाचरण मुर्मू से हुआ था। द्रौपदी मुर्मू अपने पति और दो बेटों को खो चुकी हैं। अब केवल उनकी एक बेटी है जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू। किन किन के बीच हुआ राष्ट्रपति चुनाव 2022? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। इन्होंने इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है और इनके सामने विपक्ष में थे टीएमसी लीडर पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में सभी विधायकों एवं सांसदों की वोटिंग होती है और काफ़ी ऐतिहासिक जीत हुई है द्रौपदी मुर्मू जी की। इनकी आयु 64 वर्ष है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी पार्टी से संबंध रखती हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या आपको पता है राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? बात करें राष्ट्रपति भवन की तो 320 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन में कुल 340 कमरे हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीना है। सन 2018 से पहले राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए हुआ करता था। राष्ट्रपति की सवारी के लिए मर्सिडीज बेंच S600 प्लम गार्ड गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति की रक्षा के लिए उनके विशेष अंगरक्षक रहते हैं। इन अंगरक्षकों की संख्या 86 होती है। सेवानिवृत्त होने पर मासिक 2.5 लाख रुपए महीना मिलता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य विधान का संरक्षण करना है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे दोषी जिसे फांसी की सजा हो उस पर भी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी करते हैं। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें राष्ट्रपति बनने पर बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सभी विधायकों एवं सांसदों की वोटिंग होती है और काफ़ी ऐतिहासिक जीत द्रौपदी मुर्मू जी की हुई है। दोस्तों यहां पर हम सबको सीख मिलती है कि ऊंचे पद पर जाने के लिए किसी ऊंचे परिवार से होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने की जरूरी है तो उन बाधाओं को ध्यान में न रखते हुए आगे निरंतर आगे बढ़ने की क्योंकि आज हमारे सामने एक जीता जागता सबूत है द्रौपदी मुर्मू जी। क्योंकि ये भी एक छोटे परिवार से थी, इनका घर भी छोटा था, ये कोई अमीर परिवार से नहीं थी, जो आज पूरे भारत के लिए एक मिसाल है और ये आज भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। द्रौपदी मुर्मू जी भी एक अध्यापिका थी और उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा, विधायक बनी, सांसद बनी धीरे धीरे, फिर राज्यपाल के पद तक पहुंची और आज भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। दोस्तों ज़रूरत है तो हमें निरंतर अभ्यास और आगे बढ़ने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ।